बीजेपी जो सत्ता में है अभी, कभी दीपक चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब आप बीजेपी या भाजपा बोलते ही आपके जहन में जो आकृति उभरेगी वो कमल की होगी। कमल के निशान के बनने के पीछे की कहानी आजादी से जुड़ी हुई है। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1991 में भारतीय जनसंघ, जो कि वर्तमान में भाजपा है, की स्थापना हुई थी और उसका चुनाव चिन्ह दीपक हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और पार्टी का पहला सत्र मुंबई में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। 1977 में आपातकाल के बाद जनसंघ को जनता पार्टी बनाने के लिए कई अन्य पार्टियों के साथ मिला दिया गया और तब इसका चुनाव चिन्ह हरदर किसान हो गया था। दरअसल सिपाही विद्रोह के बाद देश में जब अंग्रेजों का विरोध होने लगा तो विद्रोह के सिंबल के तौर पर कमल के फूल का इस्तेमाल होता था, जिसे बाद में बीजेपी ने अपना लिया। इसके अपनाने के पीछे तर्क ये था कि सिपाही विद्रोहियों में से अधिकांश उच्च जाति के ब्रिटिश भारतीय, खासकर ब्राह्मण थे, जो जानवरों की खाल और उनके उत्पाद से बने हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। बीजेपी के संस्थापकों ने कमल को चुनाव चिन्ह के तौर पर इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने इसे ब्रिटिश शासक के खिलाफ पहले भी इस्तेमाल किया था, जो कि राजनीतिक विचारधारा को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में दिखाता है। वही पॉलिटिकल पार्टी जिसके आज 18 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स हैं। अब शायद आप पूछेंगे कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि यहाँ बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की। 2015 में जैसे ही बीजेपी द्वारा डिक्लेयर्ड उसके टोटल रजिस्टर्ड मेंबर्स की संख्या ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के रजिस्टर्ड मेंबर्स के आंकड़े को क्रॉस किया, तो भारतीय जनता पार्टी इस दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। यही नहीं, अगर हम आज की स्थिति में देखें तो बीजेपी द्वारा प्रेजेंटेड डेटा के आधार पर बीजेपी के लगभग 18 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, जो सेकंड प्लेस पर स्टैंड कर रही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर्स से भी लगभग दुगने हैं। वहीं अगर हम आज इंडिया में बीजेपी के राजनीतिक वर्चस्व की बात करें तो लोकसभा में इसके 303 मेंबर्स हैं, जो इस सदन की कुल सीट्स का 55% से भी ज्यादा है। यही नहीं, इंडिया के 29 में से 13 स्टेट्स में बीजेपी मेजॉरिटी गवर्नमेंट और 4 अन्य में बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट है। तो ऐसे में इस पार्टी के इतिहास के बारे में चर्चा करना तो लाजमी है, ताकि ये समझा जा सके कि जो पार्टी महज 4 दशक पहले ही बनी थी वो आज दुनिया के शिखर पर कैसे पहुंच गई। तो चलिए आज हम जानते हैं इतिहास भारतीय जनता पार्टी का, प्रीडिसेसर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहायता से भारतीय जनसंघ की नींव रखी। यहां हम आपको बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इससे पहले इंडियन कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, साथ ही वो जवाहरलाल नेहरू की फर्स्ट कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई भी नियुक्त किए गए थे। लेकिन 1950 में हुए नेहरू लियाकत पैक्ट के विरोध में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ठीक इसके बाद वो भारतीय जनसंघ के जन्मदाता और पहले प्रेसिडेंट बने। दोस्तों उस समय इस नवोदित पार्टी का मकसद था इंडिपेंडेंट इंडिया में हिंदुओं की कल्चरल आइडेंटिटी की रक्षा करने के साथ साथ कांग्रेस और मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू की परसीव्ड मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी का विरोध करना। साथ ही जनसंघ की मांग थी कि जम्मू और कश्मीर का भारत में पूर्ण रूप से विलय कर लिया जाए। लेकिन उस दौर में कांग्रेस का एक छत्र राज था, जिसके चलते 1951-52 में हुए इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले जनरल इलेक्शंस में ये पार्टी केवल 3 ही सीट्स जीत पाई। इसके बाद ये पार्टी खुद को मजबूत कर ही रही थी कि 1953 में श्यामा प्रसाद जी के आकस्मिक निधन से इसे गहरा झटका लगा। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद उस समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक का एक जाना माना चेहरा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ को एक नई दिशा दी। साथ ही 1967 तक जनसंघ के जनरल सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने इसके ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने पर अपना विशेष ध्यान दिया। केवल यही नहीं, कहा जाता है कि वो दीनदयाल उपाध्याय जी थे जिन्होंने भविष्य में जन्म लेने वाली भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से वैचारिक नींव रखी। इसी बीच 1967 के जनरल इलेक्शंस में जनसंघ ने 35 सीट्स जीती,
जिससे ये लोकसभा की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जनसंघ ने हिंदी स्पीकिंग रीजन की दूसरी नॉन कांग्रेस अफिलिएटेड क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर संयुक्त विधायक दल का भी गठन किया। इनके साथ मिलकर जनसंघ ने मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में अपनी गठजोड़ वाली सरकार बनाई। ये पहला मौका था जब जनसंघ किसी पॉलिटिकल ऑफिस में स्थापित हुआ था। इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे यंग लीडर्स भी जनसंघ में अपनी जगह बना चुके थे और 1968 में उपाध्याय जी के बाद जनसंघ की बागडोर अटल जी ने संभाली। इस दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का गठन, गौ हत्या पर प्रतिबंध और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म करना ही इस पार्टी का मेजर एजेंडा था। इसी दिशा में जनसंघ अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर ही रहा था कि 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी, जिसके विरोध में जनसंघ ने भी अन्य ऑपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर आंदोलन का मोर्चा खोल दिया। इमरजेंसी के विरोध में हुए इस नेशन वाइड प्रोटेस्ट के चलते जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं को कांग्रेस सरकार ने जेल में डाल दिया। लेकिन जब 1977 में इमरजेंसी को ऑफिशियली हटाया गया और फ्रेश जनरल इलेक्शंस ऑर्गेनाइज कराए गए, तो जनसंघ ने इंडिया के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की सभी ऑपोजिशन पार्टीज जैसे सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस ओ और भारतीय लोक दल के साथ मिलकर जनता पार्टी को जन्म दिया। परिस्थितियों की वजह से एकजुट होकर बनी इस नई विलक्षण पार्टी का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को हराकर सत्ता से बेदखल करना। और जब इस चुनाव के नतीजे आए तो वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देश में पहली बार कांग्रेस सत्ता के बाहर थी और जनता पार्टी की सरकार गठित हो रही थी। इस न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट ने मोरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, लेकिन इस गवर्नमेंट में सबसे बड़ा शेयर जनसंघ का ही था। इस चुनाव में जनसंघ को 93 सीट्स मिली थी, जो इस पार्टी को मिली कुल सीट्स का 31% था। इस नव नियुक्त गवर्नमेंट में जनसंघ के प्रीवियस लीडर अटल बिहारी वाजपेयी को मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया गया। ऐसे गठजोड़ से ये मिलीजुली सरकार बन तो गई, लेकिन इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टीज के बीच सामंजस्य यानी कंपैटिबिलिटी का अभाव था। और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इसकी अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टीज की आइडियोलॉजीज भी एक दूसरे से काफी डिफरेंट थी, जिसके चलते इसके एक घटक दल ने आरएसएस एसोसिएटेड जनसंघ के मेंबर्स से इस ड्यूअल मेंबरशिप को खत्म करने की मांग की, लेकिन उनकी इस मांग को जनसंघ के मेंबर्स ने मानने से इनकार कर दिया। इसके चलते जनता पार्टी का एक फैक्शन जनता पार्टी सेक्युलर के नाम से इस सरकार से अलग हो गया और इसका नतीजा ये हुआ कि मोरारजी देसाई की ये मेलजोल से बनी सरकार गिर गई। ऐसे में 1980 में जनरल इलेक्शंस फिर से ऑर्गेनाइज हुए, लेकिन इनमें जनता पार्टी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया और केवल 31 सीट ही जीत पाई, जिसके बाद अप्रैल 1980 में अपनी इस करारी हार की विवेचना करने के लिए बुलाई गई जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव पार्टी की मीटिंग में यह फैसला किया गया कि पार्टी के सभी मेंबर्स को अपनी ड्यूअल मेंबरशिप छोड़नी होगी। इशारा साफ था, जनसंघ के मेंबर्स के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो जनता पार्टी को चुने या फिर आरएसएस को। लेकिन इस मांग के उत्तर में जनसंघ के मेंबर्स ने जनता पार्टी का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया और इस तरह जनता पार्टी से अलग होकर पूर्व में मुख्य रूप से जनसंघ का पार्ट रहे आरएसएस अफिलिएटेड मेंबर्स ने मिलकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया, जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति का केंद्र बनने वाली थी। तो चलिए यहां से अब हम अपनी कहानी के अगले भाग में चलते हैं, द राइज ऑफ भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, यहां तक हमने देखा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी भले ही आज से लगभग 4 दशक पहले बनी हो, लेकिन उसके उद्गम की भूमिका भारत की आजादी के साथ ही बननी शुरू हो गई थी। हालांकि बीजेपी एक नवोदित पॉलिटिकल पार्टी थी, फिर भी इसमें जनसंघ के ओरिजिनल स्ट्रक्चर की झलक साफ देखी जा सकती थी। यही कारण है कि बीजेपी के पहले प्रेसिडेंट भी उस समय जनसंघ का प्रमुख रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे। अपने शुरुआती दिनों में इस पार्टी को अपनी जमीन तलाशने में बहुत सी दिक्कतें आईं। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि जनसंघ से अलग पहचान बनाने के लिए नवोदित बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर कुछ हद तक कंफ्यूज थी। यही कारण था कि वो जनसंघ की हिंदुत्व वाली इमेज से अलग हटकर खुद को जनता पार्टी का एक अहम घटक दल और गांधीवादी सोशलिज्म की मॉडरेट आइडियोलॉजी से जोड़ने की कोशिश कर रही थी।
बीजेपी की इस कंफ्यूज्ड आइडियोलॉजी और इंदिरा गांधी जी की नृशंस हत्या के चलते जनता में कांग्रेस के लिए जगी सिंपैथेटिक वेव का ही नतीजा था कि 1984 के जनरल इलेक्शंस में बीजेपी केवल 2 सीट्स और टोटल वोट्स का महज 7% ही जीत पाई। सीख लेते हुए बीजेपी ने अपने स्टांस में बदलाव किया। अब लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया और अब ये पार्टी फिर से आरएसएस और जनसंघ की ओरिजिनल हार्डलाइनर हिंदू नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ने लगी। इसी बीच अर्ली 1980s में ही विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर एक आंदोलन शुरू किया था। हिंदू आस्था से जुड़े इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने भी आडवाणी जी के नेतृत्व में राम जन्मभूमि मूवमेंट की नींव रखनी शुरू कर दी थी। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के इस आंदोलन में अपने पूर्ण सहयोग की बात करते हुए बीजेपी ने इसे अपने इलेक्टोरल मैनिफेस्टो का भी पार्ट बना लिया था। एक तरह से यही वो मुद्दा था जिसने स्ट्रगल करती बीजेपी में नए प्राण फूंक दिए। इस मुद्दे को लेकर चलाए जा रहे अपने कैंपेन की वजह से ही लोगों में इस पार्टी को लेकर सपोर्ट बढ़ने लगा था, जिसका पहला परिणाम 1989 के जनरल इलेक्शंस में देखने को मिला, जहां बीजेपी को 86 लोकसभा सीट्स मिली थी। लोकसभा में मिली इस सफलता की वजह से बीजेपी न्यूली फॉर्म्ड वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट की एक क्रूशियल कंस्टिट्यूएंट बन गई थी और इसके बाद से ही बीजेपी हमेशा इंडियन पॉलिटिक्स के सेंट्रल स्टेज पर बनी हुई है। लेकिन इस स्टेज पर बीजेपी का असली परफॉर्मेंस अभी आना बाकी था। अब बीजेपी कुछ ऐसा करने वाली थी जो उसे हिंदुस्तान की मेजोरिटेरियन हिंदू पॉपुलेशन से सीधे जोड़ने वाला था, जिससे न केवल बीजेपी बल्कि भारत की पूरी राजनीति बदलने वाली थी। द राम जन्मभूमि मूवमेंट। 1990 का दशक आते आते देश का बच्चा बच्चा अटल बिहारी वाजपेयी और खासतौर पर लाल कृष्ण आडवाणी का नाम जानने लगा था। इसी बीच सितंबर 1990 में आडवाणी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने के सपोर्ट में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का आह्वान किया और इस रथ यात्रा के साथ ही भारतीय राजनीति केसरिया रंग से रंग गई। आडवाणी जी का कहना था कि इस यात्रा का मकसद पूरे भारत से इस मंदिर के लिए सपोर्ट जुटाना और हिंदुओं को जागृत करना था। लेकिन इस रथ यात्रा के संदर्भ में फेमस हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा का कहना है कि रथ यात्रा प्रतिबिंब थी हिंदुत्व की, धर्म युद्ध की, पुरुषार्थ की और एक हद तक मिलिटेंट हिंदू नेशनलिज्म की। खैर, इस यात्रा को चाहे किसी भी चश्मे से देखा जाए, लेकिन इस पूरी यात्रा के दौरान आडवाणी जी अपने पब्लिक स्पीचेस में गवर्नमेंट पर मुस्लिम तुष्टीकरण और स्यूडो सेक्युलरिज्म की आड़ में हिंदुओं के लेजिटिमेट एस्पिरेशंस को दरकिनार करने का आरोप लगाते रहे। इस बीच वो इस मूवमेंट और अपनी पार्टी के लिए जनता से सहयोग की अपील भी करते रहे। इस यात्रा के चलते बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी जी के प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाले जाने के ऑर्डर रिलीज कर दिए। लेकिन इसके बाद भी हजारों की संख्या में कार सेवक या रिलीजियस वॉलंटियर्स अयोध्या पहुंचने लगे। उत्तर प्रदेश में इस बढ़ते जमावड़े को देखते हुए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव ने हजारों कार सेवकों को डिटेन करने के ऑर्डर्स दे दिए। लेकिन उसके बाद भी बहुत से कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। इसे देखते हुए अयोध्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस लगानी पड़ी। इसी बीच फोर्सेस और कार सेवकों के बीच झड़प हो गई, जिसमें बहुत से कार सेवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ने लगा और उत्तर प्रदेश में बहुत सी जगहों पर दंगे शुरू हो गए। इसी बीच बीजेपी ने वीपी सिंह गवर्नमेंट से भी अपना सहयोग वापस ले लिया, जिसके चलते फिर से फ्रेश इलेक्शंस हुए और इस बार बीजेपी को 120 सीट्स मिली। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था। 6 दिसंबर 1992 राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और उसके अफिलियट्स ने एक रैली ऑर्गेनाइज की, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के 1 लाख से ज्यादा एक्टिविस्ट्स शामिल हुए। ये रैली अयोध्या के उसी विवादित राम जन्मभूमि के पास ही हो रही थी, लेकिन उसी दिन संदिग्ध परिस्थितियों में ये रैली उग्र हो गई और इसमें शामिल हुई लाखों की भीड़ ने विवादित बाबरी मस्जिद पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया। ये घटना एक अर्थक्वेक के समान थी, जिससे निकलने वाली तरंगे आने वाले बहुत से हफ्तों तक देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू मुस्लिम दंगों के रूप में फैलती रही और देश भर में हुए इन दंगों में हजारों लोगों की मौत हो गई। इस विवादास्पद घटना के बाद गवर्नमेंट ने विश्व हिंदू परिषद को बैन कर दिया
और साथ ही अडवाणी और अन्य बीजेपी लीडर्स को भीड़ को उकसाने और उग्र भाषण देने के आरोप में अरेस्ट कर लिया। इस घटना के बारे में बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है कि ये एकाएक हुई घटना नहीं बल्कि सोची समझी प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी थी। इसी संदर्भ में 2009 में जस्टिस मनमोहन सिंह लिबहान की रिपोर्ट में बीजेपी के बहुत से नामचीन लीडर्स जैसे अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी समेत 68 को इस डेमोलिशन के लिए दोषी माना गया। इस रिपोर्ट के अनुसार इनके भाषणों और बहकावे में ही बाबरी मस्जिद डिमोलिश की गई। साथ ही उस वक्त की कल्याण सिंह की यूपी स्टेट गवर्नमेंट को भी इस घटना में शामिल माना गया। लेकिन 30 सितंबर 2020 को आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले में इन सभी लीडर्स को दोषी न मानते हुए इन्हें बरी कर दिया गया। अब इन तथ्यों और उनकी विवेचना के आधार पर हम इस घटना को किसी भी तरह देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इस सब के बीच भी जो एक बात स्पष्ट रूप से नजर आती है वो ये कि आजाद भारत के इतिहास की शायद यही वो सबसे बड़ी घटना है जिसने हिंदुस्तान के आने वाले कल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। खैर, यदि हम अपनी कहानी में आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि बीजेपी ने इसी दौरान राम जन्मभूमि से जुड़ी इस रथ यात्रा के अलावा भी एक यात्रा की थी, और वो थी दिसंबर 1991 में तत्कालीन बीजेपी प्रेसिडेंट मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में की गई एकता यात्रा। ये यात्रा देश में एकीकरण का संदेश देने के लिए कन्याकुमारी से 11 दिसंबर 1991 में शुरू की गई थी और 14 स्टेट से होते हुए 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के साथ खत्म हुई। लेकिन दोस्तों, बीजेपी की इन दोनों ही यात्राओं में भी एक और समानता थी। वो ये थी कि इन दोनों के आयोजन में भारत के करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक अहम किरदार निभाया था। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि भारत का भावी नेतृत्व भी इन्हीं आंदोलनों के बीच तैयार हो रहा था। लेकिन भारत की सत्ता इस नए नेतृत्व के हाथ में सौंपे जाने के लिए अभी 2 दशक का समय शेष था। तो इसी बीच के 2 दशकों में बीजेपी का क्या हुआ? द बीजेपी टर्न्ड इनटू एनडीए। दोस्तों, 90s का दशक आते आते कांग्रेस अब वो पुरानी वाली कांग्रेस नहीं रही थी। उसे चुनौती देने के लिए बहुत से क्षेत्रीय दल लामबंद हो रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी अकेले टक्कर देने में सक्षम नहीं था। ऐसे में बीजेपी, जो अब तक भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी, ऐसी कांग्रेस विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व करने के लिए परिपक्व हो चुकी थी। अब अगले 2 दशक तक बीजेपी, जो इन दलों के साथ मिलकर एनडीए या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना चुकी थी, उसका सीधा मुकाबला यूपीए या यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के रूप में कांग्रेस के घटक दलों से हो रहा था। इस दौरान बीजेपी का नेतृत्व एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथ में रहा, जिन्होंने 3 अलग-अलग बार देश की कमान भी संभाली, लेकिन उनमें से एक ही बार वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। इसका एक बड़ा कारण यही था कि ये दौर गठजोड़ की सरकारों का था, जहां घटक दलों के मूड के अनुसार सरकार बनती या गिरती थी। फिर भी उसके बीच राजनीति में बीजेपी के बढ़ते कद और जमीन पर उसकी बढ़ती पकड़ को साफ देखा जा सकता था। इस बीच जब अटल जी ने 1999 से 2004 तक अपनी सरकार बनाई, तो उस बीच उनके गवर्नमेंट की काफी सराहना हुई। साथ ही उस बीच जिस तरह से उनके द्वारा पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए बस यात्रा के माध्यम से पहल की गई, उसकी भी देश विदेश में काफी सराहना हुई। लेकिन भारत की तरफ से हुई इस पहल के बाद भी पाकिस्तान के हाथों कारगिल युद्ध के नाम पर भारत को सिर्फ धोखा ही हाथ लगा। ऐसे मुश्किल वक्त में जिस तरह से अटल जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐसा माना जा रहा था कि अटल जी की सरकार दोबारा बनना तय है। लेकिन आशाओं के विपरीत कांग्रेस यूपीए के रूप में वापस लौट आई। यही नहीं, कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन पर लगातार उठते सवालों के बाद भी यूपीए ने अपने 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स पूरे किए, जिसे देखकर लगता था कि अब शायद कांग्रेस का वही पुराना दौर वापस आ गया है। लेकिन इस कहानी में अभी एक आखिरी मोड़ आना बाकी था, और ये मोड़ आना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि बीजेपी का एक नया नेतृत्व एक नई दिशा के साथ तैयार हो चुका था। ऐसा नेतृत्व जिसकी नींव उसकी 2 देशव्यापी यात्राओं के दौरान 2 दशक पहले ही पड़ गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की, दी एनडीए टर्न बीजेपी। दोस्तों, यूपीए के सेकेंड टर्म में उस पर बहुत से करप्शन के आरोप लग रहे थे, साथ ही महंगाई भी आसमान छू रही थी। ऐसे में देश की जनता परिवर्तन चाहती थी, और वो उन्हें गुजरात के तत्कालीन सीएम और बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी में देखने को मिल रहा था।
ये मोदी जी की फैन फॉलोइंग ही थी जिसने 2014 और फिर 2019 में उनके द्वारा लड़े गए प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शंस में ऐतिहासिक जीत दिलाई। और ये इस जीत का ही नतीजा था कि जहां एक समय बीजेपी को सरकार बनाने के लिए एनडीए का सहारा लेना पड़ रहा था, वहीं अब बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार बना पाने में सक्षम थी। यही नहीं, सेंट्रल इलेक्शंस हों या फिर स्टेट, बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर ही इलेक्शंस लड़ती देखी जाती है। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि 2014 और 2019 में हुए इन जनरल इलेक्शंस में भी लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कैंडिडेट नहीं बल्कि अपने लिए पीएम चुन रहे हैं। लेकिन बीजेपी के इस टर्न अराउंड के श्रेय का हकदार एक व्यक्ति और है, और वो है उसे 2014 के जनरल इलेक्शन में जीत दिलाने में एक अहम भूमिका निभाने वाले तत्कालीन बीजेपी प्रेसिडेंट और करंट होम मिनिस्टर अमित शाह। ये अमित शाह जी का पॉलिटिकल एक्यूमन ही है जिस वजह से उन्हें आज की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। ये उनका किया हुआ ग्राउंड वर्क ही है जिस वजह से बीजेपी आज न केवल इंडिया की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जबकि वहीं दूसरी ओर एक समय देश पर एक छत्र शासन करने वाली कांग्रेस आज सिमटती जा रही है। अब भविष्य में ये मोदी शाह की जोड़ी क्या रंग दिखाती है, ये देखना दिलचस्प होगा।